जिन हालात से हम गुजर रहे हैं यकीनन खुशियां तो चुरानी पड़ती हैं, और इन हालात में जॉब का मिलना किसी खुशी से कम नहीं है। सही कह रही हो रोज, अल्लाह का बहुत शुक्र है। किस बात पे खुश होना है और किस बात पे नहीं, कभी कभी इंसान ये तमीज खो बैठता है। जब इंसान को हालात की मार पड़ती है तो ये तमीज भी चली जाती है। लेकिन आपने मेरी तरबियत सख्त हालात में की है अब्बा। हालात जैसे भी हों, मैं तमीज नहीं भूल सकती। चले छोड़े ना, किन बातों में पड़ गए। ये ले, मुंह मीठा करें। अम्मी मिठाई। बस अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने लिए, अरीज के लिए। सब अच्छा होगा। हाँ अम्मी, मुझे एडवांस सैलरी मिली है, पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं, कुछ पैसे अलग कर दिए हैं, शायद उनकी जरूरत पड़ सकती है। मैं अम्मी को मिठाई खिलाकर आती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए और इसे ऐसे ही खुश रखे। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। मेरा मतलब पैसे ही बहुत बड़ी ताकत है। क्या ख्याल है आपका? भाई इस बात पे तो इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता, 100% सही। वैसे अब तो उन लोगों के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे। बुड्ढा वैसे इंजर्ड हो गया, और अगर इंजर्ड ना भी होता तो पैसे कमाने के लायक थोड़ी था वो। ना ना ना, ना, ना सलमान, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। बहुत बड़ी ढारस है इस वक्त उरूज के लिए। वो और इंसान के आसपास जब तक अपने मौजूद हो ना, वो कमजोर नहीं पड़ता है। किस्मत अच्छी है बुड्ढे की, उस दिन बच गया मेरे हाथों। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इजी लेना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? By the way, वो मैरीन आंटी मिली थी, मैं बताना भूल गया। तो कुछ भी नहीं, वो ही इमोशनल ड्रामा, इमोशनल बातें। मैंने ज्यादा अहमियत नहीं दी। भाई बहुत ही मक्कार औरत है वैसे, बहुत ही मक्कार। मुझे लगता है कि अरूज ने ही पढ़ाकर भेजा होगा। कोई नहीं, कुछ दिनों में आएंगी दोनों माँ बेटी, आके माफी मांगेगी हमसे।
नहीं पहचान सके ना इन आंखों को, तो तुम्हारी याद में रो रो के हलकान हो गई। माँ हूं तुम्हारी, पाला है तुम्हें, तरबियत की है मैंने तुम्हारी। आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है बात तुमसे सलमान, मुझे करनी है। मैंने तुम्हें ऐसे परवान तो नहीं चढ़ाया था कि तुम इंसानों का एहसास करना छोड़ दो, सिर्फ अपनी जिद के गुलाम बन के रह जाओ। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? डिस्टर्ब हम कर रहे हैं तुम्हें, डिस्टर्ब तुमने कर दिया हम सबको डिस्टर्ब सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। नासिर बेटा? जी सर, अपने रूम में है। ओके। अंजा फिक्र नहीं करो, मैं आज ही नासिर साहब से बात करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अपॉइंट कर लेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट्स का एक्सपीरियंस तो मुझे पता ही है, हम साथ काम कर चुके हैं, तो आई होप कि इस मंथ से वो आपको ज्वाइनिंग दे दें। थैंक यू मैम, मुझे बहुत नीड है। आई अंडरस्टैंड, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इस मंथ से हमारे पास आ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।